सबसे पहले आपने कंट्रोल जे की मदद से इसकी एक डुप्लीकेट लेयर तैयार करनी है। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ऐसा करने के बाद फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर, यहाँ से आपने एक्सपोजर की वैल्यू को कम करना है। यहाँ से मैं -1.25 कर देता हूँ और यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को ज़्यादा करता हूँ, टिंट की वैल्यू को कम करता हूँ और यहाँ से कंट्रास्ट को ज़्यादा किया। इसी तरह हाइलाइट्स को भी मैं चेक कर लेता हूँ और इसी तरह शेडो, हाइलाइट्स, वाइट, ब्लैक और यहाँ से क्लैरिटी को मैं ज़्यादा करता हूँ, वाइब्रेंस को भी ज़्यादा करता हूँ और यहाँ से सैचुरेशन को, यहाँ पर ठीक है। यहाँ से मैं ओके करता हूँ तो ये देखें पहले वाली और बाद वाली। यहाँ पर कैमरा रॉ फिल्टर पर डबल क्लिक करें और आप इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को ओरिजिनल तस्वीर में तब्दील कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।